आप अपने लिए एक नया लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं और आपका बजट जो है 30,000 के आसपास में है, मार्केट में देखोगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बहुत सारे लैपटॉप ऐसे हैं जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत लो है लेकिन प्राइस बहुत हाई है, तो ऐसे में समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा लैपटॉप हमारे लिए बेहतर है। और हर लैपटॉप हर किसी के लिए अलग अलग तरह से जो है अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। हो सकता है कि कोई लैपटॉप मेरे लिए अच्छा हो लेकिन आपके लिए बुरा हो, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट सबकी जो है ज़रूरत अलग अलग होती है। किसी को जो है रैम ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को प्रोसेसर अच्छा चाहिए होता है, किसी के लिए बैटरी बैकअप सबसे मायने रखता है। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप सबसे बेस्ट है 30,000 के अंदर में। इस लिस्ट में हमने जितने भी लैपटॉप हमने इंक्लूड किए हैं सभी के सभी ब्रांड वैल्यू को देखते हुए, कस्टमर फीडबैक को देखते हुए और इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग प्राइस को देखते हुए हमने इस लिस्ट को बनाया है, ताकि आप इस प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी लैपटॉप लो आपको पूरा पैसा वसूल परफॉर्मेंस मिले और इन फ्यूचर कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HP Chromebook लैपटॉप, ये एक ऐसा लैपटॉप है जो कि 25,000 से 26,000 रुपये के अंदर में आपको टच स्क्रीन के साथ मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज में आपको किसी भी लैपटॉप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्लस इसमें जो है SSD का भी सपोर्ट है, यानी कि जो इसमें स्टोरेज जो मिलेगी वो SSD बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। प्लस इसकी बैटरी बैकअप आपको 10 से 12 घंटे मिलेगी, यानी कि अगर आप एक ऐसे लैपटॉप की तलाश में हो जिसमें टच स्क्रीन का जो फ़ायदा भी आपको मिले प्लस साथ साथ बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा हो 10 से 12 घंटे, तो बेशक आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। और इस लैपटॉप की सबसे खास बात और एक बात यह है कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जब आप लैपटॉप खरीदोगे तो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम इसे मिलेगा, जो कि आपको जो है देखोगे तो विंडोज़ 10 से थोड़ा सा अलग है। अगर आप जो है पहली बार अगर आप क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे तो विंडोज़ 10 से थोड़ा सा अलग आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, लेकिन चलाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही ईजी है और बहुत ही लाइट वेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्रोम की तरफ से आता है। तो अगर आपको जो है एक ऐसे लैपटॉप की तलाश में जिसमें ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग और नेट ब्राउजिंग यानी कि बेसिक इंटरनेट के जितने भी काम आप बहुत ही आराम से करना चाहते हो वो भी अच्छे बैटरी बैकअप के साथ और टच स्क्रीन के फैसिलिटी के साथ, तो बेशक आप इस लैपटॉप को आप कंसीडर आप कर सकते हैं। HP की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप की अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 14 इंचेस का टच स्क्रीन का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेसर इसमें इंटेल का N4020 का प्रोसेसर है। 4GB का रैम इसमें आपको देखने को मिलेगा और स्टोरेज के लिए आपको 64GB का SSD इसमें आपको इनबिल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 256GB का अलग से जो है आप जो है SSD लगा के इसको जो है अपग्रेड अप कर सकते हैं इसकी स्टोरेज को। बैटरी बैकअप आपको 10 से 12 घंटे मिलेगा। Asus VivoBook 14, इस लैपटॉप की सबसे खास बात यह है कि इस लैपटॉप में आप जो है 12GB तक आप रैम आप जो है बढ़ा सकते हो और इसमें जो है M.2 का भी सपोर्ट है, यानी कि अगर आप इन फ्यूचर आप M.2 लगाना चाहते हो तो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप M.2 लगाते हो तो आपकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस आपको जो है डबल हो जाएगी, यानी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि M.2 में जो है डेटा ट्रांसफ़र रेट जो भी होता है बहुत ही फास्ट होता है, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी सॉफ्टवेयर खोलोगे तो नॉर्मल SSD के मुकाबले जो है बहुत ही फास्ट खुलता है। तो इस लैपटॉप में आपका ये ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो इन फ्यूचर M.2 भी लगा सकते हो प्लस 12GB तक रैम भी आप जो है अपग्रेड करके लगा सकते हो। Asus की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप में अगर डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंचेस का डिस्प्ले है। प्रोसेसर AMD 3050U का प्रोसेसर है। 4GB का रैम और स्टोरेज के लिए इसमें 1TB का हार्ड डिस्क ड्राइव दिया गया है। इन फ्यूचर आप चाहें तो इसमें M.2 भी ऐड कर सकते हैं। बैटरी बैकअप इसमें 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप मिलेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10 और MS ऑफिस आपको साथ साथ मिलेगा। इसके बाद जो लैपटॉप आता है वो HP की तरफ से आता है और इसमें भी आप जो है 12GB तक रैम को आप बढ़ा सकते हैं, प्लस इसमें इन फ्यूचर आप SSD भी लगा सकते हैं जिससे कि आपकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इस लैपटॉप की सबसे अच्छी बात है कि इसमें प्रोसेसर जो है और किसी लैपटॉप से जो हमने पिछले जो दो लैपटॉप बताए उससे अच्छा प्रोसेसर इसमें मिलेगा। हम जो टॉप के भी दो लैपटॉप बताएंगे, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे प्रोसेसर बहुत ही अच्छा मिले तो इन दोनों लैपटॉप में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। अभी जो बता रहे हैं इसके HP वाली और इसके बाद वाली दोनों में से देख लो जो आपको बेस्ट लगे। अगर आपको जो है
परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, आप चाहते हो कि मेरे पास जो है प्रोसेसर बहुत ही अच्छा रहे, तो बेशक आप इस लैपटॉप को आप कंसीडर आप कर सकते हो। एचपी की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप की अगर डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच का फुल एचडी का डिस्प्ले है। प्रोसेसर एएमडी की तरफ से आने वाला राइजन 3050U का प्रोसेसर है। रैम इसमें 4GB का रैम DDR4 आपको मिलेगा और स्टोरेज के लिए 1TB का हार्ड डिस्क ड्राइव लगा हुआ है। बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10 और एमएस ऑफिस प्री इंस्टॉल आपको मिलेगा। इसके बाद जो लैपटॉप है वो है एसर की तरफ से आने वाला लैपटॉप है और इस लैपटॉप में भी आप चाहें तो इन फ्यूचर में SSD लगा के अपने जो है स्टोरेज को जो है अपग्रेड कर सकते हैं। SSD लगाने से आपका कंप्यूटर जो है 50% फास्ट हो जाता है, यानी कि आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर आप खोलते हो उसका जो है परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आपको मिल जाता है। तो इसमें ऑप्शन है, जितने भी लैपटॉप हमने बताया सब में आप चाहो तो SSD लगा के जो है अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज आप कर सकते हो। अब बात आती है कि कौन सा लैपटॉप किन लोगों के लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। देखो, अब जितने भी लैपटॉप हमने बताया सभी के सभी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस करते हो, ऑनलाइन टीचिंग करते हो, नेट ब्राउजिंग करते हो या फिर मूवी या गाने सुनने के आप शौकीन हो, तो बेशक आप जो है इस लैपटॉप को इस प्राइस रेंज के अंदर में इस सारे लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो आप लैपटॉप लोगे तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और जो है छोटे मोटे ऑफिस वाले काम भी आप इन सारे लैपटॉप में आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको जो सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए तो अब तो चारों में से आप कोई भी लैपटॉप आप ले सकते हो, लेकिन आपको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर आपको छोटे मोटे ऑफिस वाले भी काम करने हैं तो ये जो अभी के जो दो लैपटॉप मैंने बताया है, लास्ट के दो लैपटॉप, उनमें से आप जो है किसी भी एक लैपटॉप को कंसिडर करो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एसर की तरफ से आने वाले इस लैपटॉप की अगर डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच का फुल एचडी का डिस्प्ले है। प्रोसेसर इसमें राइजन का 3250U का प्रोसेसर है। 4GB का रैम और स्टोरेज के लिए 1TB का हार्ड डिस्क ड्राइव लगा गया है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 पहले से ही आपको प्री इंस्टॉल आपको मिलेगा। हमने आपको जितने भी बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 के बारे में बताया है सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन आप अमेजोन से खरीद सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।